हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बहुत यमी सी बनने वाली दाल मेथी बना रहे हैं। यानी ये मेथी और दाल, ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसको काट लिया है। सबसे पहले मैंने मेथी को ऐसे पत्तों में तोड़ लिया है, अच्छे से धो लिया है और उनको सुखा लिया है ताकि उसका जो पानी है वो ज़्यादा ना रहे। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश मेथी है और इसको हमने बारीक काट लिया है। मेथी के बाद ये हमने ली है तुअर दाल, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। ये देखिए, इसको मैंने 2-3 बार धोकर अच्छे से पानी से साफ कर लिया है और अब हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे। ये दाल को कुकर में डालेंगे। सारी दाल हम कुकर में डाल देंगे। उसके बाद मैंने ये 1/2 कप दाल ली है, देखिए। इसी कप को मेजर करते हुए मैंने पानी लिया है। मैं 3 गुना पानी ले रही हूँ, यानी मैंने 1/2 कप दाल ली है तो इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून टू 1/2 टीस्पून हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसमें कुछ नहीं डालना है और इसको दाल को प्रेशर कुक करेंगे। कुकर अलग अलग डिपेंड करता है, कुछ कुकर में जल्दी विसल आती है, कुछ में देर से आती है। तो मैं इसमें जल्दी जल्दी विसल आएंगी, 3-4 विसल लगाने वाली हूँ। जब तक हमारी दाल तैयार हो रही है, हम पैन में डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून घी। आप ऑयल में भी छोंक सकते हैं बट दाल का टेस्ट जो है वो घी में बहुत अच्छा आता है। घी गर्म होने देते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें जीरा और इसको भूनने देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक ग्रेटेड अदरक और लहसुन कटा हुआ, यानी 1 इंच हमने अदरक ग्रेट कर लिया है और 3 से 4 कली आप लहसुन की ले सकते हैं। उनको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। हींग डालने के बाद इसको एक बार चलाएंगे और 1 प्याज को हमने देखिए बहुत बारीक काट लिया है चॉपर से, इसको डाल देंगे और अच्छे से इनको भूनेंगे। थोड़ा सा नमक हम यहाँ भी डालेंगे, प्याज में थोड़ा हमने दाल में डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे प्याज अच्छे से भून भी जाती है और हमें इसको ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमको प्याज भूनना है। इसके साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें मेथी, ये देखिए, जिसको मैंने बहुत अच्छे से ऐसे 1 कप ऐसे भर के ले लिया है, ये देखिए, क्योंकि बहुत थोड़ी हो जाती है भुनने के बाद। इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। ऐसे हम इसको भुनेंगे, देखिए कितनी हरी हरी मेथी है। मेथी को साफ करते हुए आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसको वॉश करना है। और मैं मेथी वॉश करने के बाद ही कट करती हूँ, जब उसके पत्ते तोड़ लेते हैं उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कट करने के बाद धोते हैं तो मुझे लगता है सारा उसका कलर न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाती है। तो मैंने इसको धोकर काटा है, ये देखिए। अच्छे से इसको भून लेंगे, थोड़ा सा मेथी पक जाए तब तक हम इसको भून रहे हैं। अब डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून धनिया, सूखा धनिया पाउडर, यानी सारे मसाले डालेंगे। गैस को थोड़ा स्लो कर लेंगे। कलर के लिए रेड चिली, थोड़ा गरम मसाला, पहले मैं किचन किंग डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून किचन किंग डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये है मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला, रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ये टेस्टी दाल लगती है और मेथी आजकल सीजन में है तो आप जरूर बनाकर खाइए। ये लगभग हमारी मेथी जो है वो पक गई है और यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने चॉपर में 2 छोटे टमाटर को ऐसे चॉप कर लिया है ताकि अच्छे से गल जाए और अब हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं।
मेथी पहले भूनने से फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छे से टोमेटो सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं करीब 400 नियर अबाउट 400 रेसिपीज डाल चुकी हूं तो आप जरूर जाकर चेक करिए। प्लेलिस्ट तैयार है, आप उसमें जाके ब्रेकफास्ट के ऑप्शन और दाल डेजर्ट्स इनके ऑप्शन देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज्यादा सूखा है तो आप 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। इसको ढककर पकाते हैं, तब तक हम कुकर खोलकर देखते हैं। ये प्रेशर अपने आप ठंडा हो गया है कुकर में, दाल चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी, देखिए परफेक्ट पानी है इसमें, यानी हमने आधा कप में 1.5 कप पानी डाला है और ये बहुत अच्छे से गल गई है। 3-4 मैंने विसल लगाई है और उसके बाद प्रेशर कुकर को अपने आप कुकर को ठंडा होने दिया है तो ये बहुत अच्छी गल गई है, देखिए आप। और आप चाहें तो इसमें, आपके 4 विसल के बाद नहीं होती है तो आप उसमें 1 विसल और लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दोबारा से खोलिए, चेक कीजिए और फिर से बंद कर दीजिए। ये देखिए, हमने इसको कवर हटा लिया है और देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल मैश हो गए हैं टोमेटो। अगर आप हाथ से कट करते हैं तो वो बहुत मोटे मोटे रह जाते हैं और आजकल के टमाटर के छिलके जो हैं वो थोड़े मोटे हैं, गलते नहीं हैं। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे अपनी दाल में जो हमने ऑलरेडी प्रेशर कुक कर दी है। ये देखिए कितना अच्छा ये मसाला है, कितनी बढ़िया ये मेथी की दाल लगने वाली है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ये देखिए। और मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके, ये आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी जो है दाल की वो आप जैसी आप पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत पतली खाते हैं, कुछ लोग बहुत गाढ़ी खाते हैं, तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसी पैन में पानी को उबाल लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं और इसको, ये देखिए बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और मैं 1 मिनट के लिए बस प्रेशर कुक करूंगी, इसको बंद करूंगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए। 1/2 चम्मच में इसमें घी ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, मुझे दाल में घी बहुत अच्छा लगता है। और इसको अब हम 1 मिनट के लिए प्रेशर कुक करेंगे। और मेथी दाल फ्राई है, मेथी दाल तड़का कह सकते हैं आप इसको, तो तड़का बनता है। 1 चम्मच घी हम ऊपर से डाल रहे हैं, इसको हल्का गर्म होने देते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 सूखी लाल मिर्च जो तड़के में बहुत अच्छी लगती है। हल्का गर्म होने लगा है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे ऊपर से और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें राई, ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं राई डाल रही हूं। इसको गैस को धीमा रखेंगे ताकि ये जले नहीं। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कलर के लिए रेड चिली और गैस को ऑफ कर देंगे और ये तड़का हम दाल के ऊपर डालेंगे। देखिए जैसे ही प्रेशर बना ना कुकर में, मैंने इसको खोल लिया और ये अब अच्छे से मिक्स हो गई है दाल, देखिए, क्योंकि जो अलग अलग दिख रही थी वो नहीं है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए ये यमी सी लगने वाली दाल, यानी चपाती से खाइए, राइस से खाइए, कंसिस्टेंसी देखिए। और ऊपर से लगाएंगे हम इसमें ये तड़का, तो जरूर ट्राई कीजिए और ये यमी सी दाल बनाकर जरूर खाइए। आप धनिया भी डाल सकते हैं, ये देखिए यमी दाल। Thank you so much for watching my recipes.